देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज में आपके साथ सीखा सैनी। एक नज़र अब तक की खास खबर पर। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यार्थी यहाँ शिक्षार्थ आते हैं और सेवार्थ जाते हैं, इसलिए विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सभी सुव्यवस्थाएं हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ साथ उनकी ड्रेस, शारीरिक सफाई तथा खानपान का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा समय समय पर मेडिकल प्रशिक्षण व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नाम बताइए, पहले कौन है आप? मैं मोहम्मद नासिर मलिक, अध्यापक जूनियर हाई स्कूल से जी डालने वाला। तो इसमें जो है बच्चों की जो जैसी सरकार जो सुविधा दे रही है तो उसमें सुविधाजनक क्या क्या यहाँ पर उपस्थित हैं? सुविधा के अनुसार जो भी है हमारी मध्याह्न भोजन की योजना बड़े सुचारू रूप से चल रही है और मध्याह्न भोजन का टाइम 12:20 से लेकर के 1:15 तक होता है और सभी स्वतंत्र रूप से इसमें चेक के लिए इनवाइटेड हैं और बच्चों का पूरा न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखा जाता है। शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत शैक्षिक व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप रखी हुई है जिसका ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन दिया जाता है और डायरेक्टली उसका DBT उनके खातों में जाता है। ठीक इस प्रकार से सिलेबस की बातें भी होती हैं और सिलेबस का पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं वो पाठ्यक्रम की पुस्तकें बच्चे बाजार से लेते हैं और उसकी कीमत जो सरकार निर्धारित करती है वो सीधे उनके खाते में DBT करा दी जाती है। अभी आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? मेरे विद्यालय में फिलहाल 84 जूनियर सेक्शन के अंदर है, 192 प्राइमरी सेक्शन के अंदर है। देखे हैं इंडिया 24 टीवी।